नमस्कार साथियों, मैं निमित सिंह बावल आज फिर से आपका अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल स्टडी विद बावल सर पर आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। तो साथियों, अभी हमने पहले वेक्टर जो हमारा चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया था हमारे, और आज हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जो हमारे बुक का सेकेंड चैप्टर है। उसका नाम है प्रतिलोम वर्तीय फलन, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, यानी कि प्रतिलोम वर्तीय फलन जो हमारा सेकंड चैप्टर है वो हम इसके अंदर शुरू करने जा रहे हैं। साथियों, ये शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये हमारे बोर्ड परीक्षा में 4 नंबर का आता है। इसके जो नंबर है बोर्ड परीक्षा के अंदर जो इसके क्वेश्चन आते हैं वो लगभग 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो बहुत ही अच्छा छोटा सा टॉपिक है हमारा, छोटा सा ये चैप्टर है और 4 नंबर दिलाता है, तो हमें बहुत ही फायदा मिलेगा इससे। तो साथियों, ये चैप्टर शुरू करते हैं। इसके अंदर है प्रतिलोम वर्तीय फलन, यानी कि फलन है जो वर्तीय है और प्रतिलोम यानी कि इनवर्स वाला है। तो हम साथियों पहले देख लें फलन यानी कि फलन होता है क्या है। मैं आपको पहले बता देता हूँ कि फलन है वो क्या होता है। फलन है, वैसे तो फलन है हमारे तो फर्स्ट चैप्टर है उसके अंदर पूरा आता है, फलन वाला सिस्टम पूरा फंक्शन है वो उसके अंदर आता है, लेकिन थोड़ा बहुत बता देता हूँ आपको कि फलन होता है क्या है। तो साथियों, जैसे कोई दो सेट दे दिए हमारे को, सेट ए और सेट बी, जैसे कि कोई दो सेट दे दिए, इसके अंदर कोई ना कोई अवयव है, जैसे इसके अंदर एक आ गया, दो आ गया, तीन आ गया, यहाँ पे आ गए 2, 3 और 4, इस प्रकार के हमारे को दो सेट दे दिए और उसके अंदर हमारे को ये दे दिए। तो फलन क्या होता है साथियों, फलन ये होता है कि इसका इसके साथ सेट ए है उसका सेट बी के साथ कोई ना कोई एक निश्चित संबंध होगा, और वो कौन सा होगा, अद्वितीय संबंध होगा, यानी कि एक है वो एक के साथ बनाएगा, दूसरा दो एक के साथ, एक के साथ कोई अद्वितीय संबंध रखता है। जैसे मैंने मान लिया एफ एक्स बराबर हो गया एक्स प्लस वन, यानी कि जब हम इसका एक है वो एक यहाँ रख रहे हैं, एक प्लस एक यानी कि हमारे दो प्राप्त हो रहा है, यहाँ पे दो रखते हैं, दो प्लस एक एक बराबर तीन प्राप्त हो रहा है, इस प्रकार तीन रखते हैं, इसमें एक जोड़ते हैं तो 4 प्राप्त हो रहा है, यानी कि जो सेट ए है वो सेट बी के साथ समुच्चय है, वो समुच्चय बी के साथ कोई अद्वितीय जो फिक्स है वो कोई संबंध रखता है उसी को फलन कहते हैं। ये हमारा हो गया। इसके साथ साथ मैं आपको बता देता हूँ इसके अंदर प्रांत क्या होता है, परिसर क्या होता है। साथियों, ये जो फर्स्ट वाला होता है समुच्चय ए, जो 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 मान ले सकते हैं किसी भी फंक्शन के लिए, किसी भी फलन के लिए जो जो हमें मान ले सकते हैं वो परिभाषित मान होना चाहिए। इसकी एक ही शर्त है कि जो जो मान ले सकते हैं वो परिभाषित होने चाहिए, यानी कि अपरिभाषित नहीं होने चाहिए, ये परिभाषित मान नहीं होने चाहिए। जो जो परिभाषित मान है वो हम ले सकते हैं, यहाँ इनफाइनाइट ऐसा कुछ भी नहीं ले सकते, जो जो परिभाषित मान ले सकते हैं वो तो आ जाते हैं प्रांत के अंदर, और जो समुच्चय भी है या जो सेकंड समुच्चय है वो हो जाता है हमारा से प्रांत, ये प्रांत ये से प्रांत। फिर एक चीज आती है इसके अंदर परिसर की, परिसर क्या होता है। तो साथियों, परिसर के बारे में आपको बता देता हूँ, परिसर वो होता है जो समुच्चय भी है, इसके अंदर और भी तो आ सकते हैं, यानी 5 आ गया, 6 आ गया, कुछ भी और भी आ गया, ये सेट बी है इसके अंदर और भी आ गए, लेकिन परिसर के अंदर उन्हीं को शामिल करेंगे जो सेट बी है, इसके जो जो अवयव है जो सेट ए है समुच्चय है उसके पहले से ही प्रतिबिंब है, यानी फिक्स जो जो इसके साथ संबंध बना रहे हैं उन्हीं को ही हम परिसर के अंदर शामिल करते हैं। सेट बी के वो सारे अवयव जो सेट ए के साथ यानी समुच्चय ए के साथ अपना प्रतिबिंब पूर्ण प्रतिबिंब दिखाते हैं, पूरे का प्रतिबिंब दिखाते हैं, उन्हीं को ये परिसर के अंदर शामिल करते हैं। तो ये 5 और 6 है ये सेप्रांत के अंदर तो शामिल होंगे, ये पूरा है वो सेप्रांत के अंदर तो शामिल हो जाएगा, लेकिन परिसर के अंदर जो शामिल होंगे वो परिसर के अंदर ये 3 ही होंगे, 2, 3, 4, क्योंकि ये केवल एक एक से संबंध दिखा रहे हैं, 5 और 6 है ये संबंध नहीं दिखा रहे, तो ये हमारे जो साथी परिसर के अंदर शामिल नहीं होंगे, सेप्रांत में ये शामिल हो जाएंगे। ये हो गया प्रांत। फलन क्या होता है, सेट ए का सेट बी के साथ कोई ना कोई कोई दे दिया, जैसे हमारे इसके हिसाब से संबंध बता दिया, संबंध बता रहा है निश्चित अद्वितीय संबंध, यानी कि एक का एक के साथ संबंध बता रहा है, वही हमारा फलन होता है। तो साथियों, आप इसको एक बार नोट डाउन कीजिए और फिर हम चलते हैं आगे। तो साथियों, हम आगे चल रहे हैं, अब चैप्टर के ऊपर चल रहे हैं। फलन के बारे में मैंने आपको बता दिया, अब वर्तीय फलन होते हैं वो क्या होता है वो मैं बताता हूँ, प्रतिलोम यानी कि इनका इनवर्स है वो किस प्रकार से होता है। जैसे कि हमारे को कोई फलन दे दिया साइन थीटा बराबर एक्स, कोई भी फलन दे दिया साइन थीटा बराबर एक्स दे दिया, तो ये है एक्स का मान क्या हो गया थीटा की ज्या,
साइन होता है जा, कोश होता है कोजिया, यानी कि एक्स का मान किसके बराबर है, थीटा की जा के बराबर है। तो साथियों अब इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, यानी कि थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स, यानी कि यदि हमारे वो थीटा का मान निकाल रहे हैं तो हम क्या निकालेंगे, साइन इनवर्स एक्स। तो थीटा का मान क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। ये साथियों ये किस प्रकार से आता है वो भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि आप यही मान लो ये साइन थीटा है, साइन थीटा है बराबर एक्स है, तो थीटा की जगह हम कोई ना कोई वैल्यू रखते हैं, कोई ना कोई मान लिखते हैं, यानी कि हमने ले लिया साइन पाई बाई टू बराबर एक्स। साइन पाई बाई टू कितना होता है एक, यानी कि साइन पाई बाई टू लिखो या 90 लिखो बराबर हो गया एक। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ साइन इनवर्स एक्स से गुणा कर, साइन इनवर्स से, केवल साइन इनवर्स से गुणा करेंगे, दोनों तरफ करेंगे तो हमने इधर भी कर दिया साइन इनवर्स से और इधर था इधर भी हमने कर दिया इनवर्स से, गुणा कर दिया दोनों तरफ। अब ये तो साइन से साइन कट जाएगा तो यहां हो जाएगा पाई बाई टू बराबर साइन इनवर्स वन, यानी कि जो थीटा है वो साइन इनवर्स एक्स यानी कि मान के बराबर है। ये इस प्रकार से होता है, मैं आपको बता दिया, लेकिन हम सीधा इसको इधर भेज देते हैं, ये होता इस प्रकार, ये आपको ध्यान रखना है साथियों। अब मैं आपको और बता देता हूं कि वर्तीय फलन कौन कौन से होते हैं, हमारे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर होते हैं, त्रिकोणमितीय जो वर्तीय फलन होते हैं उसके अंदर हमारे साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा, साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा, ये तीनों त्रिकोणमितीय वर्तीय फलन होते हैं। ये वर्तीय फलन को किस प्रकार से बताया है, क्योंकि जब हम साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा का ग्राफ बनाते हैं, जैसे हमने साइन थीटा का ग्राफ बनाया ऐसे, कोस थीटा का ग्राफ यहां से बनता है ऐसे, यानी कि इसके अंदर वर्काकार आकृति बनती रहती है, वक्र आता रहता है इसके अंदर, कुछ ना कुछ है ना वक्र बनता रहता है, टेन थीटा का बनता है वो ऐसे बनता है, इस प्रकार इनके अंदर वक्र बनते रहते हैं, इन कारण इनको त्रिकोणमितीय वक्रीय फलन भी कहा जाता है। इनको साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, इनको त्रिकोणमितीय वक्रीय फलन कह दिया, तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, यदि इनको हम एक्स के बराबर मान रखें तो इनको हम प्रतिलोम यानी कि इनवर्स के अंदर इसको बदले तो हम क्या करेंगे, एक्स बराबर लिख दिया हमने साइन इनवर्स, नहीं थीटा बराबर लिख दिया हमने साइन इनवर्स एक्स, यहाँ पे वो थीटा बराबर कुछ भी आया हमारे, ये हो गया कोस इनवर्स एक्स, इनको टेन इनवर्स एक्स, यानी कि इसको हमें प्रतिलोम यानी इनको इनवर्स के अंदर, प्रतिलोम यानी इनवर्स के अंदर हम साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा को इस प्रकार लिख सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, इस प्रकार बदल सकते हैं फलन। ये जैसे हमारा साइन थीटा है तो साइन इनवर्स एक्स बदला, इस प्रकार इनको बदल सकते हैं। और ये क्या होते हैं, ये होते हैं हमारे वर्तीय फलन, साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा होते हैं, इनको वक्रीय त्रिकोणमितीय वक्रीय फलन होते हैं, यानी कि इनके अंदर कुछ ना कुछ वक्र बनता रहता है, इनको वक्रीय फलन या वर्तीय फलन कहा जाता है। तो साथियों इसके अंदर आपको, आप इसको एक बार नोट डाउन करना और मैं आपको और बताता हूं, जैसे कि ये तो हमारा इस प्रकार से हो गया कि जैसे साइन का साइन, साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स एक्स हमने लिख दिया, लेकिन एक चीज और ध्यान रखना, एक होता है साइन इनवर्स एक्स और एक होता है साइन एक्स और इसकी घात माइनस एक्स, इनके अंदर अंतर होता है। ये अंतर क्या होता है, यानी कि ये दोनों होते हैं वो कभी भी बराबर नहीं होते हैं। साथियों ये चीज ध्यान रखना कि ये दोनों चीजें वो कभी भी बराबर नहीं होती है, देखना किस प्रकार से बराबर नहीं होती है, ये इसको तो हम लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स एक्स की जगह ज्यादा से ज्यादा हम थीटा लिख सकते हैं, या थीटा का मान लो तो हम थीटा लिख सकते हैं, लेकिन ये साइन एक्स की घात माइनस एक इसको हम लिख सकते हैं वन अपॉन साइन एक्स, ये होता है वन अपॉन साइन एक्स, एक ये होता है साइन इनवर्स एक्स, यानी कि ये दोनों अलग अलग होते हैं, इनको हम कभी भी बराबर नहीं लिख सकते। एक चीज और ध्यान रखना कि जो यहाँ पे एक्स है ना, एक्स ये मान है और ये थीटा है, ये कोण है, ये किसी संख्या का मान है और ये थीटा है जो कोण है, यहां लिख देता हूं मैं, ये तो कोण है और ये है एक्स जो मान है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि थीटा है जो कोण है और ये मान है। किस प्रकार से, मैं एक बार फिर से बता देता हूं, जैसे हमने लिख दिया साइन पाई बाई टू बराबर एक्स है, यानी कि साइन पाई बाई टू का मान कितना हो गया, एक हो गया, तो ये एक है जो हमारे को वैल्यू मिली, यानी कोई ना कोई किसी संख्या का हमारे को ये मान मिला है, और पाई बाय टू है जो ये थीटा था, ये क्या है, कोण है, इस चीज का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि थीटा है जो कोण है और एक्स है जो किसी
इसी संख्या का वैल्यू है, यानी कोई मान हमारे कोई हम इसके अंदर जो भी हम डाल रहे हैं, हम इनपुट डाल रहे हैं, हमारे को आउटपुट मिल रहा है, वो कुछ न कुछ संख्या मिल रही है, यानी कोई ना कोई वैल्यू मिल रही है। और एक आपको ये ध्यान रखना है कि ये दोनों चीजें हैं वो बराबर नहीं होती है, साइन इनवर्स एक्स बराबर नहीं होता है साइन एक्स की घात माइनस एक के, इसको माइनस एक की घात नहीं बोला जाता है, इसको जो लिखा जाता है इसको साइन इनवर्स एक्स बोला जाता है। तो साथियों आप इसको एक बार नोट डाउन कीजिए, फिर हम चलते हैं आगे कि आगे इसके अंदर और क्या क्या बताया हुआ है। एक चीज मैं आपको और बता देता हूं कि जो भी हमारा ये त्रिकोण ये प्रतिलोम वर्तीय फलन होता है, ये एक शर्त रखता है कि ये जो इसका जो फंक्शन है वो क्या होना चाहिए, एक की आच्छादक होना चाहिए, वो होना चाहिए एक की आच्छादक, एक की आच्छादक होना चाहिए। ये फलन है, ये अपने शर्त रखता है कि ये मेरा जो है वो फंक्शन है वो एक की आच्छादक होना चाहिए। अब एक की आच्छादक क्या होता है वो भी आप एक बार देख लो, ये दो जिस प्रकार से फंक्शन आप एक बार इसको नोट डाउन कीजिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ कि एक की आच्छादक होता क्या है, तब तक आप इसको एक बार नोट डाउन कीजिए। तो साथियों मैं बता रहा था आपको एक की आच्छादक क्या होता है, ये दोनों अलग अलग चीजें एक की और आच्छादक, इन दोनों को पढ़ते हैं और फिर इन दोनों को साथ में कंबाइन कर देते हैं, उसको एक की आच्छादक बोल देते हैं। देखो जैसे हमारे को दो शेड दे दिए, समुच्चय दे दिए, इसके अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू दे दी, इसके अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू दे दी। अब एक की क्या होगा, जब समुच्चय ए का समुच्चय बी के साथ एक का एक की यानी ए का ए के साथ, यानी इसके अंदर एक का इसके साथ इसके इसके साथ इसके इसके एक के साथ एक का संबंध होता है, वो तो हो जाता है हमारे एक की। और आच्छादक क्या होगा, जब भी सेट से समुच्चय भी है इसका जो प्रत्येक अवयव होगा, प्रत्येक अवयव यानी इसके अंदर और भी आ सकते हैं, यहाँ पांच भी आ गया मान लो, छह कुछ भी आ गया, यानी समुच्चय भी है इसका जो प्रत्येक अवयव है वो समुच्चय ए के किसी ना किसी के साथ अपना संबंध रखता हो। जैसे ये भी इसके साथ संबंध रख लिया, इसने वो इसके साथ संबंध रख लिया, यानी कि जो समुच्चय भी है इसका जो प्रत्येक अवयव है वो किसी ना किसी के साथ अपना संबंध रखता है, वो हो जाता है हमारा आच्छादक। तो एक की हो गया एक के साथ एक का, और आच्छादक यानी समुच्चय जो भी है इसका प्रत्येक अवयव समुच्चय एक है किसी ना किसी के साथ अपना संबंध रखता है, या प्रतिबिंब बनता है, पूर्ण प्रतिपूर्व प्रतिबिंब वैसा भी होता है इसके अंदर सिस्टम। तो साथियों ये हो गया एक की और ये आच्छादक, दोनों जुड़ जाएंगे तो हो गया हमारा एक की आच्छादक। और ये अपना एक की आच्छादक जो हमारे क्वेश्चन दिए होंगे इसके अंदर प्रतिलोम वर्तीय फलन के अंदर, वो लगभग सब हमारे क्वेश्चन होंगे वो एक ही आच्छादक दिए हुए होंगे हमारे को, ये एक ही आच्छादक है जो हमारे फर्स्ट प्रश्नावली है ना संयुक्त फलन, उसके अंदर काम में आने वाला है, इसके अंदर ज्यादा कुछ इसका सिस्टम नहीं है। तो आप एक बार इसको नोट डाउन कीजिए, आप दोनों की परिभाषा लिख सकते हो, अलग एक ही और आच्छादक की, इसका एक के साथ एक का संबंध और समुच्चय बी के सभी अवयवों का एक के किसी न किसी के साथ संबंध हो गया आच्छादक। और फिर हम चलते हैं प्रांत परिसर वो क्या क्या होता है फलन के, उसके बारे में आपको एक डायग्राम पूरी सारणी के ऊपर समझाऊंगा, तो हम और सारणी बनाएंगे, आप तब तक इसको एक बार नोट डाउन कीजिए। साथियों अब हम देख रहे हैं जो हमारे सामने फलन है, जैसे साइन थीटा कोस थीटा टेन कोट शेक और शेक, इनके है जो प्रांत क्या होते हैं, परिसर क्या होते हैं, और इनका वक्र है वो किस प्रकार से बनता है, मैंने आपको बताया था कि वो साइन थीटा कोस थीटा और टेन थीटा वो वक्रीय फलन होते हैं, वो किस प्रकार से होते हैं वो आपको अभी ग्राफ से पता चल जाएगा। तो साथियों जैसे मैंने ले लिया, यहाँ पर लिख दिया मैंने फलन, यानी कि हमारा कोई फलन है वाई बराबर ले लो या एक्स बराबर कुछ भी ले लो, साइन थीटा मान लो या साइन की जगह हम एक्स मान लेते हैं, यानी कि कोई हमारा फलन है वाई बराबर साइन एक्स। अब इस ये फलन हो गया, इसका प्रांत यानी कि प्रांत क्या क्या होगा, इसका प्रांत क्या होगा, जो साइन एक्स है ना, तो एक्स है जो इसके अंदर सारे रियल नंबर यानी कि जितने भी है रियल नंबर वो हम लिख सकते हैं। और मैंने आपको पहले भी बताया था प्रांत और परिसर के अंदर की प्रांत है वो सारे रियल नंबर लेता है, केवल वो परिभाषित होने चाहिए, ये परिभाषित नहीं होने चाहिए। और साइन थीटा है, ये साइन एक्स है, इसके अंदर एक्स की जगह कोई भी रियल नंबर रखेंगे तो वो सारा परिभाषित होगा और उससे हमारे को क्या मिलेगा, परिसर कुछ भी रखकर देख लो, यहाँ पे साइन की जगह जीरो रखते हैं तो साइन जीरो की वैल्यू मिल जाती है जीरो, यहाँ उससे पाई बाई रखते हैं तो वहां पे हमारे एक मिल जाती है, यानी कि सारे मान है उसके परिभाषित आएंगे। तो फिर इसका परिसर है वो क्या बनता है, इसका परिसर है वो बनता है माइनस एक से लेके एक तक,
यहाँ पे आप कोई भी मान रख दो x की जगह, यानी रियल नंबर कोई भी आप रख दो, उसका जो मान आएगा वो माइनस एक से लेके एक के बीच में आएगा। जैसे मैंने जीरो रखा तो जीरो से पाई बाई टू पे एक आ जाता है, फिर यदि मैं माइनस का पाई बाई टू रख देता हूँ तो माइनस एक आ जाते हैं, फिर माइनस का थ्री पाई बाई टू रख देता हूँ, माइनस का फाइव बाई टू थ्री वो रख देता हूँ, या प्लस का है वो थ्री पाई बाई टू रख देता हूँ, या फाइव पाई बाई टू रख देता हूँ, कुछ भी रख दूंगा तो उसका जो मान आना है वो माइनस एक से लेके एक के बीच में आना है। और इसके साथ साथ एक चीज और देख लेना, ये है हमारा, मैं इसको लिख रहा हूँ बड़े कोष्ठक के अंदर। बड़े कोष्ठक का अर्थ होता है कि ये माइनस एक और एक है जो दोनों शामिल है, यानी इनके बीच में भी आएगा और ये माइनस एक भी आ सकता है और एक भी आ सकता है। आगे मैं छोटा कोष्ठक भी लगाऊंगा, वहां पे आपको बताऊंगा छोटा कोष्ठक है उसका क्या मामला होता है। और उसका देख लो, इसका वक्र भी देख लो, इसका वक्र किस किस प्रकार से बनता है, इस प्रकार से बनता है इसका, ये इस प्रकार से इसका वक्र भी बनता है। यहाँ पे आ जाता है आगे पाई टू पाई, ये इसकी वैल्यू चलती रहती है। फिर मैं लेता हूं यहाँ पे, जैसे कोई दूसरा फलन ले लिया हमने y बराबर cos x ले लिया, तो y बराबर cos x है, इसका मैं प्रांत बताता हूं, मैं इसका प्रांत क्या होता है, इसके अंदर भी x है वो सारे रियल नंबर रहता है। x की जगह यानी जो थीटा होता है, यहाँ क्या हम कोई भी रियल नंबर रख दो वो इसका मान है वो परिभाषित ही आना है। तो फिर हमारे इसका परिसर क्या हो जाएगा, इसका परिसर होगा वो परिसर भी इसका यही होता है, यानी कि प्रांत और परिसर है, तो ए साइन एक्स और कोस एक्स है इनके सेम ही होते हैं, वो भी देख लो किस प्रकार से होंगे। यहां पर भी आपको जीरो रख दो तो कोस जीरो का मान जीरो आ जाएगा, कोस जीरो का मान एक आ जाएगा, और यहाँ पे पाई बाई टू रख देते हैं, यानी कोस 90 है, कोस 90 का मान जीरो आ जाएगा, यानी कि जीरो आ रहा है वो इधर से एक से आ रहा है। यदि यहाँ पर पाई रख देते हैं, कोस पाई का मान उसका माइनस एक आ जाता है, टू पाई रख लो माइनस के, थ्री पाई रख लो टू पाई प्लस के उधर रख लो, कुछ भी रख लो, उनका जो मान आना है, उनका जो रेंज आनी है वो माइनस एक से लेके एक तक आनी है। और इसका जो ग्राफ वक्रीय ग्राफ बनता है वो यहाँ से एक से शुरू होता है और इस प्रकार से बनता है, इस प्रकार से इसका बनता रहता है वो करे जो। और ये हो गया साइन एक्स और ये हो गया हमारा कोस एक्स, इसी प्रकार से होता है हमारे टेन एक्स, वाई बराबर टेन एक्स। इसके अंदर जो एक्स है यानी हम इसके प्रांत लेंगे, वो प्रांत क्या क्या होंगे, उसके अंदर हम ले लेंगे सारे रियल नंबर ले लिए, मैंने पहले मैंने बता दिया कि सारे रियल नंबर ले सकते हैं। फिर मैंने कहा कि सारे वो रियल नंबर ले रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर हमारे को हर बार वो परिभाषित मान देना चाहिए। तो आप ये देखो कि 10 के अंदर कहीं ये परिभाषित तो नहीं आ रहा, यानी कि अनंत तो कहीं पर नहीं आ रहा है। तो हम देखते हैं कि 10 है, 10 के ऊपर अनंत कहां पे आता है, 10 के ऊपर अनंत आता है हमारे पाई बाई टू पे, यानी कि पाई बाई टू के ऊपर ये परिभाषित मान लेता है। तो हम रियल नंबर में से की बार माइनस कर देंगे पाई बाई टू वाला, तो पाई बाई टू वाले माइनस करने का सिस्टम होता है इसको, इस प्रकार से आप माइनस कर दो, यानी कि 2n प्लस cos टू में पाई बाई टू रख दो, यानी कि n है, n का मान हम 0 1 2 3 4 कुछ भी ले सकते हैं हम। यदि हमने 0 लिया यहाँ पे तो हमारा आएगा पाई बाई टू, यदि 1 लिया तो आएगा 3 पाई बाई टू, और 2 लिया तो 5 पाई बाई टू, यानी कि ये मान है हमारे को रियल नंबर में से माइनस करने हैं। तो अब की बार हम 10x है, इसमें रियल नंबर में से पाई बाई टू वाले जो गुणन होंगे 1 2 3 वो हम माइनस कर देंगे, वो हो जाएगा हमारा प्रांत। और फिर हो गया परिसर, परिसर के अंदर क्या आएंगे, परिसर के अंदर इसके आ जाते हैं जो भी सारे रियल नंबर है वो आ जाते हैं। अब वो किस प्रकार से आ जाते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि सारे रियल नंबर कैसे आ जाते हैं। जैसे हमने यहाँ देख लिया 10 0, 10 0 का मान क्या हो जाता है, 10 0 का 0 हो जाता है, 10 π/4 यानी 10 45 का मान 1 हो जाता है, और 10 π/2 इसका मान हो जाता है अनंत, यानी कि ये 0 से शुरू होता है और अनंत चला जाता है, यानी कि जो रियल नंबर होते हैं वो इसके अंदर पूरे आ जाते हैं। इसलिए हम परिसर है, इसकी रेंज है, जो हम क्या लिख सकते हैं, रेंज हम लिख सकते हैं R, यानी कि सारे रियल नंबर यहाँ पे हमें इसकी रेंज है वो लिख सकते हैं। फिर इसका भी ग्राफ होता है, इसका ग्राफ क्या होता है साथियों, इसका ग्राफ इस प्रकार से बनता है, इसका ग्राफ है वो इस प्रकार से हो जाता है। इसी प्रकार से tan x और sin x cos x tan x होगी, इसी के प्रकार से हमारे आगे हो जाते हैं cot x sec x और cos x। आप इसको एक बार नोट डाउन कीजिए, फिर मैं आपको cot और cos x sec और cos x के भी बता देता हूं।
साथ ही अब हम देख रहे हैं साइन कॉस और टेन का हमने देख लिया, अब देख रहे हैं कोटेक्स का, यानी कि साथ ही अब हम देख रहे हैं कोटेक्स वाला, यानी कि साइन कॉस और टेन वाला देख लिया, अब हम देख रहे हैं कोटेक्स। कोटेक्स का प्रांत क्या होगा, यानी यहां मैंने रियल नंबर लिख दिया, ये रियल नंबर है, ये रियल नंबर है, ये हमारा सही हो सकता है, लेकिन ये गलत कहां हो रहा है। मैंने आपको प्रांत के अंदर बताया था कि ये सारे जो मान होने चाहिए वो परिभाषित होने चाहिए, और हम देखते हैं कोटेक्स के अंदर कहीं ना कहीं अपरिभाषित यानी अनंत मान आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो कोट के अंदर अनंत आता है हमारे, कहां आता है, कोट जीरो कोट पाई ये होते हैं वो अनंत वाले होते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें से एन पाई माइनस कर देंगे, यानी कि जो एन के मान यहाँ एन है उस जीरो एक दो तीन ये हम ले सकते हैं, तो हमारा प्रांत क्या हो जाएगा, आर माइनस एन पाई। फिर परिसर है, परिसर है वो सारे रियल नंबर हो जाएंगे, यानी एन के अंदर ये हो रहे थे और कोट के अंदर भी ये हो जाएंगे, क्योंकि कोट पाई बाई फोर यानी कोट 45 का मान कितना आ रहा है, उसका मान आता है हमारे एक, और इधर आ जाता है कोट पाई बाय टू, इसका मान आ जाता है यहाँ पे जीरो यानी जीरो से एक, और यहाँ पर कोट जीरो यहाँ पे आ जाता है ये, यानी कि जीरो से लेके अनंत तक आ रहा है, यानी लगभग है जो इसकी रेंज है वो आर इधर सारे रियल नंबर ले रहा है। तो इसी का जो हमारा वक्र होता है वो किस प्रकार से बन जाता है, इसके अंदर टेन का वक्र हमारे बन रहा था इस प्रकार से, टेन का वक्र इस प्रकार से बन रहा था हमारे, तो इसका वक्र है वो ऐसे बनता है, यहाँ देखो ये आ जाता है, फिर ऐसे हो जाता है, इस प्रकार से हमारे इसके वक्र बन जाते हैं। ये है जो अनंत तक जा रहा है, ऊपर जो जा रहे हैं ये सारे देखना, आप इनको नॉर्मली देख लो बुक में से, आप आराम से इन वक्रों को देख सकते हो, वैसे भी हमारे एग्जाम के अंदर ये वक्र आने नहीं है, ना ही हमारे से कोई इसके अंदर वक्र पूछता है, लेकिन ये इस प्रकार से होता है, यानी कि इसके अंदर वक्राकार आकृति आई जाती है। फिर साथियों हम आगे देखते हैं, कोट का देख लिया, अब हम देखते हैं सेक एक्स का, यानी कि अगला हमारे को फलन आ गया हमारे सेक एक्स। अब सेक एक्स है, उस सेक एक्स का प्रांत क्या होगा, तो सेक एक्स का प्रांत है हमारे होगा, रियल नंबर ले लिया। अब आप देखो sec x के अंदर है वो एक परिभाषित मान यानी अनंत है, वो कहीं आ रहा है या नहीं आ रहा है, sec x यानी कि cos का उल्टा, cos के अंदर जहां पर जीरो आएगा वहां पर sec के अंदर क्या आएगा, अनंत आएगा। तो cos में जीरो कहां आता है, cos के अंदर जीरो आता है हमारे पाई बाई टू पे, cos में पाई बाई टू पे आता है, तो इसमें से हमारे माइनस क्या करना है, टू एन प्लस वन और ये पाई बाई टू, यहां पर भी n के मान जीरो एक दो तीन ये से चलते जाते हैं, यानी कि पाई बाई टू के जो गुणन होंगे एक दो तीन चार जो भी होंगे वो हमारे को, उनको हमारे को रियल नंबर में से माइनस कर देंगे, तो हमारे को क्या प्राप्त हो जाएगा, हमारे को प्राप्त हो जाएगा प्रांत। और फिर होता है हमारा परिसर, हमारा परिसर इसके अंदर होता है माइनस अनंत से लेके माइनस एक और एक से लेके अनंत तक, यानी कि माइनस अनंत से लेके अनंत तक होता है, लेकिन इसके बीच में माइनस एक से लेके एक है वो उनके बीच जो वैल्यू होती है माइनस एक से एक तक, यानी जीरो और पॉइंट वन पॉइंट टू जो भी कुछ हो जाती है हमारे पॉइंट सात तीन दो कुछ भी जो वैल्यू होती है वो हमारे इसकी रेंज के अंदर नहीं आती sec x की, sec x की रेंज के अंदर क्यों नहीं आती वो भी आप देख लो। sec x है उल्टा किसका होता है, वो होता है cos x का, यानी कि यहाँ पे आप मान देख सकते हो वहां पे आता है हमारे जैसे cos 45 आ गया, cos 45 की वैल्यू हो गई एक बटा रूट दो और यहाँ पे उसकी हो जाएगी रूट दो बटा एक, यानी कि ये बीच में आ जाएगा। इसी प्रकार से वहां पे इसके अंदर जीरो वाला का इसके अंदर cos है, cos के अंदर अनंत वाला कोई मान भी नहीं होता, इस प्रकार से इसके अंदर जीरो वाला नहीं आएगा क्योंकि ये इसका उल्टा होता है। तो आप इसकी रेंज को याद कर सकते हो कि ये माइनस से अनंत से लेके माइनस एक और एक से लेके अनंत तक होती है, माइनस एक से लेके एक इसके बीच में नहीं होती, ये आपको ध्यान रखना है कि ये माइनस एक से लेके एक है इसके बीच में नहीं होती है। इसी प्रकार से हमारा अगला वाला आ जाता है cos x, cos x है इसका प्रांत क्या होगा, रियल नंबर होगा। अब cos x है वो किसका उल्टा होता है, ये होता है sin x, मेन रूप से तो हमारे तीन ही है sin cos और tan, ये बाकी तो उन्हीं के उल्टे हो रहे हैं, यानी cos x है वो sin का, और यहाँ पे कोई अपरिभाषित मान कब होगा, जब साइन वाले के अंदर जीरो वाला आएगा, साइन वाले में जीरो जीरो पे आता है तो हम इसके अंदर से माइनस कर देंगे एन पाई, यानी कि एन का मान यहाँ पर हम कुछ भी ले सकते हैं जीरो एक दो ऐसा चल जाएगा, यानी कि पाई के जो गुणन होंगे जैसे पाई
टू पाई, थ्री पाई, ये सारे हैं, ये परिभाषित हुए, परिभाषित नहीं होंगे, ये सारे परिभाषित नहीं होंगे। इसके अंदर हो जाएंगे पाई बाई टू, थ्री पाई बाई टू, फाइव बाई टू, ये भी परिभाषित नहीं होंगे। इसके अंदर पाई वाले सेम टू सेम, ये परिभाषित नहीं होंगे। फिर इसका जो परिसर है, इसकी रेंज है, वो हमारे क्या आ जाएगी? तो साथ ही इसकी रेंज हम देख लेते हैं। इसकी रेंज हमारे आएगी माइनस अनंत से लेके माइनस एक और यूनियन एक से लेके अनंत, ये हमारे इसकी रेंज आ जाएगी। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हमारे बड़ा कोष्टक और एक छोटा कोष्टक, इन दोनों का मैं आपको मतलब बताऊंगा। यानी कि बड़ा कोष्टक आता है तो इसके जो सात वैल्यू दी होती है वो होती है, छोटा कोष्टक यानी कि वो नहीं होती है। तो साथियों इसी प्रकार से आप देख लो, यहाँ पर भी जो ये कोष्टक है ये छोटे है, यानी कि यहाँ पे माइनस अनंत है, इसको साथ में नहीं लिया गया, उसके आगे की वैल्यू है माइनस अनंत और एक के बीच की, एक को ले लिया माइनस को, यहाँ पे एक को ले लिया क्यों बड़ा कोष्टक आ रहा है, और यहाँ पे अनंत आ गया इसके छोटा कोष्टक आ गया तो इसको नहीं ले रहे। इसी प्रकार से इसके अंदर हो रहा है माइनस अनंत, इसके अंदर माइनस अनंत को नहीं लिया गया है, लेकिन माइनस अनंत से लेकर माइनस एक तक की के बीच में जो वैल्यू आ रही है उसको लिया गया है, और माइनस एक को भी लिया गया है, यहाँ पर एक को भी लिया गया है, और अनंत इसको नहीं लिया गया, लेकिन इनके बीच की रेंज को लिया गया है। इसी प्रकार से ये हमारे हो जाते हैं प्रांत और परिसर, ये हो गए फलन, इनके ये होता है प्रांत, और ये हो गए हमारे परिसर। इनके भी कुछ वक्र होते हैं लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है, और उनको यदि आप देखना चाहते हो तो बुक के अंदर देख लेना, बुक के अंदर वो बनाए हुए हैं। तो साथियों आप इनको एक बार नोट डाउन कीजिए, जैसे मैंने आपको बता दिया साइन कोस सेक टेन कोट और साइन का कोस सेक, यानी कि छह के कौन कौन से प्रांत होते हैं, कौन कौन से परिसर होते हैं, वो किस प्रकार से होते हैं, कौन क्यों ही रियल नंबर में से माइनस होते हैं, वो मैं आपको, मैंने ये बातें बता दी, आप इनको एक बार नोट डाउन कीजिए। और ये बड़ा कोष्टक और एक छोटा कोष्टक वाली बात है, इसको भी आप ध्यान के अंदर रखना। साथियों अब हम देख रहे हैं मुख्य मान। एक मुख्य मान पहले हम पढ़ रहे थे कि फंक्शन था, कोई भी फंक्शन था हमारे पास में, जैसे एक एक्स मान लिया, वाई मान लिया, वाई था हमारे सामने एक्स था, यानी कि साइन वाई कुछ भी था, वो तो हम कर रहे थे कि फंक्शन। अब हम पढ़ रहे हैं प्रतिलोम वर्तीय फलन, यानी कि इनवर्स वाले पढ़ रहे हैं। अब इनवर्स वाले के अंदर प्रांत क्या होगा और जो मुख्य मान होगा वो क्या होगा, वो किस प्रकार से होगा, जो पहले हमने जो फलन पढ़े थे उनका जो प्रांत होगा वो परिसर होगा, और जो उसका परिसर होगा वो अबकी बार प्रांत होगा। तो साथियों अबकी पहले हमने जो दो हमने परिसर पढ़े थे वो अबकी बार हमारे वाले में प्रांत में आ जाएगी, क्योंकि पहले हम पढ़ रहे थे केवल साइन एक्स वाला, वो वाई बराबर साइन एक्स ले लेते, अबकी बार है हमारे आ रहा है साइन इनवर्स एक्स, यानी इनवर्स वाले में ले रहे हैं। तो इनवर्स वालों के अंदर अबकी बार प्रांत क्या हो गया, पहले साइन एक्स का जो परिसर था अबकी बार प्रांत बन जाएगा। पिछली बार हमारे जो उसका परिसर आ रहा था वो आ रहा था माइनस एक से लेके एक के बीच में, तो अब की बार वो हमारे प्रांत बन गए, यानी कि एक्स की वैल्यू है वो होगी माइनस एक से लेके एक के बीच में, और माइनस एक और एक दोनों भी साथ में, या दोनों साथ, ये माइनस एक भी हो सकती है, एक भी हो सकती है, और माइनस एक से लेके एक के बीच में होगी। और जो इसके मुख्य मान होंगे वो किसके ऊपर होंगे, माइनस के पाई बाई टू से लेके या पाई बाई टू पर, यहाँ पर थ्री पाई बाई टू भी आ सकता है, माइनस का प्लस का भी आ सकता है, माइनस का पाई बाई टू भी आ सकता है, और पाई पाई बाई टू भी आ सकता है, लेकिन मुख्य मुख्य कौन कौन से हैं, मुख्य में आ जाएंगे पाई बाई टू, एक तो माइनस का और एक प्लस का। इसी प्रकार से आ जाते हैं हमारे कॉस इनवर्स एक्स वाले, कॉस इनवर्स एक्स के अंदर क्या क्या आ जाएगा, उसकी रेंज पिछली बार प्रेशर के अंदर क्या आ रही थी, पिछला वाला जो परिसर था अब की बार हमारे क्या बन गया, प्रांत बन गया, उसमें भी आ रही थी माइनस एक से लेके एक के बीच में, यानी माइनस एक भी होगा एक भी होगा और इसके बीच की जो वैल्यू होगी। फिर इसका जो मुख्य मान है वो माइनस एक कब आ रहा है, माइनस एक आ रहा है पाई पे, और एक कब आ रहा है जीरो पे, कोस के अंदर यही आते हैं, और इसके साथ यहाँ पर टू पाई भी आ सकता है, थ्री पाई माइनस का टू पाई कुछ भी आ सकता है, लेकिन जो मुख्य है वो जीरो और पाई, इसलिए मुख्य मान हमने ले लिया जीरो और पाई को। इसी प्रकार फिर हमारा आता है टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स की पिछली बार में जो रेंज आई थी वो की बार प्रांत हो जाएगा, पिछली बार में रेंज आई थी माइनस अनंत से लेके अनंत के बीच में, माइनस अनंत और अनंत को की बार साथ में नहीं लिया हुआ है, केवल इनको बीच में बताया कि माइनस अनंत से लेके अनंत के बीच में होगी। और उसी प्रकार ये इसके अंदर क्या होगा, माइनस के पाई बाय टू और पाई बाय, माइनस के पाई बाय टू और एक हो जाते हैं प्लस के पाई बाय टू। यहाँ पे हमारे टेन के अंदर पाई बाय टू का वैल्यू क्या होती है, टेन के अंदर पाई बाय टू की वैल्यू होती है हमारे अनंत,
यानी कि इसके अंदर अनंत है, उसको साथ में नहीं लिया हुआ, बीच में लिया हुआ है। यहाँ आपके सामने देख रहे होंगे, यहाँ पर हमारे छोटा कोष्ठक, बड़ा कोष्ठक यानी कि ये खुद है जो शामिल है, और छोटा कोष्ठक यानी कि ये खुद शामिल नहीं है, इनके बीच वाले हैं उनको लिया गया है। अब आ जाता है हमारे कोर्ट इनवर्स एक्स। कोर्ट इनवर्स एक्स की पिछली बार जो रेंज आ रही थी, यानी जो परिसर आ रहा था, उपरांत हो गया माइनस अनंत से लेके अनंत के बीच में, इनके इनके भी इनको साथ में नहीं लिया हुआ है माइनस और अनंत को, क्योंकि ये एक परिभाषित मान होता है और उसी प्रकार से इसका मुख्य मान आ जाता है जीरो और पाई, यानी कि जीरो पे ये क्या होता है और पाई पे इसकी क्या वैल्यू होती है। उसी प्रकार से आ जाता है हमारे सेक इनवर्स एक्स, पिछली बार जो हमारे उसके अंदर परिसर आ रही थी वो की बार आ जाएगी प्रांत, वही है माइनस अनंत से लेके माइनस एक तक और एक से लेके अनंत तक। यहाँ पर भी माइनस एक से लेके एक के बीच वाले मान को नहीं लिया हुआ है और माइनस अनंत है इसको भी नहीं लिया हुआ है। यहाँ पर भी आपको देख रहे होंगे यहाँ छोटा है कोष्ठक है, यानी कि छोटे कोष्ठक यानी माइनस अनंत को नहीं लिया हुआ है और ये माइनस एक को लिया हुआ है। इसके अंदर ध्यान रखना क्योंकि यहाँ पर इसके साथ साथ ये चिन्ह भी दिया हुआ है, यानी कि माइनस एक है वो साथ में है और यहाँ पे एक है वो साथ में है इनके साथ। और इसी प्रकार से हमारी रेंज आ गई, इसकी रेंज भी आती है जीरो से पाई तक और पाई बाय टू पर। ये सेक है जो पाई बाय टू के ऊपर क्या हो रहा था, सेक है जो पाई बाय टू के ऊपर हो रहा था अनंत, इसलिए हमने माइनस में पाई बाय टू कर दिया। फिर आ जाता है हमारा कोस इनवर्स एक्स। कोस इनवर्स एक्स के अंदर क्या है, उसमें जो परिसर आ रहा था वो क्या प्रांत हो जाएगा, प्रांत क्या हो जाएगा माइनस अनंत से माइनस एक तक, और माइनस एक को साथ में लिया हुआ है और एक से लेके अनंत तक, और इसके अंदर एक को भी साथ में लिया हुआ है, जबकि अनंत को साथ में नहीं ले सकते क्योंकि ये एक परिभाषित मान होता है। और फिर इसका जो मुख्य मान हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी गुणा के अंदर थ्री फाइव कुछ भी आ सकता है, लेकिन जो मुख्य है वो क्या है माइनस पाई बाय टू से लेके पाई बाय टू। और इसके अंदर जीरो को क्यों माइनस किया, क्योंकि कोस इनवर्स जीरो है, यहाँ पर इसका अनंत मान हो जाता है, इसलिए इस अनंत वाले को हमने इसके अंदर भी माइनस कर दिया। तो साथियों आप इस टेबल को जो मुख्य मान और प्रांत वाली है इसको एजेस्ट के जैसे ही बना लेना, और एजेस्ट ही आपको इसको याद करनी है। याद करने का तरीका मैंने बता दिया है, क्योंकि पहले मैंने मान दो हमने फलन लिए थे, उन फलनों का मैंने प्रांत और परिसर बताए थे, और अब की बार इनर्स वाले हैं, जो उसका जो प्रांत होगा वो इसका परिसर हो जाएगा और इसका परिसर होगा उसका प्रांत हो जाएगा, यानी उल्टा ये। और वो किस प्रकार से आए थे वो मैंने पहले बता दिए थे, तो इनको आपको सीधा सीधा उन्हीं से रिलेटेड रखते हुए आपको याद करना है। तो साथ ही इसको आप एक बार टेबल को बनाइए और फिर चलते हैं आगे, तब तक आप इसको एक बार नोट डाउन कीजिए। साथियों आगे हम देख रहे हैं प्रतिलोम वर्तीय फलनों में संबंध, यानी कि इन जो प्रतिलोम वर्तीय फलन होते हैं उनके बीच में किस प्रकार का संबंध होता है वो आपको मैं बताता हूं। जैसे हम देख रहे हैं प्रतिलोम वर्तीय फलनों में संबंध, प्रतिलोम वर्तीय फलनों में हम संबंध देख रहे हैं। तो आप कुछ भी ले लो, जैसे मैंने ले लिया, मैं ले लेता हूं थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स, यानी कि मैंने वैल्यू ली है थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स, तो हमारे एक्स की वैल्यू भी आपको पता है इसमें आ जाएगी साइन थीटा। यदि थीटा बराबर मैंने लिया साइन इनवर्स एक्स, तो साइन थीटा है उसका मान क्या हो जाएगा एक्स आ जाएगा। तो अब हमारे को किसने पूछ लिया कि आप कोस थीटा का मान बताओ, तो हम किस प्रकार से बताएंगे कोस थीटा टेन थीटा कोट थीटा उनका मान किस प्रकार से बताते हैं। तो साथियों हमने टेंथ क्लास के अंदर भी इस प्रकार से किया था, कोई अपने पाइथागोरस परिमेय में पढ़ी थी, उसी का काम में लेंगे हम यहाँ पर भी। जैसे कि इसके अंदर दिया हुआ है साइन थीटा बराबर एक्स, और आपको पता है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, आपके सामने सूत्र है लाल बटा कक्का, आपने पढ़ा होगा लंब बटा करण आधार बटा करण और लंब बटा आधार, ये सूत्र पढ़ा है, यानी कि साइन थीटा इसका मान क्या हो गया लंब बटा करण, यानी कि इसके अंदर लंब है उसकी वैल्यू तो x है और जो करण है उसकी वैल्यू क्या है एक, यानी बटा में कुछ नहीं तो हम यहाँ पे एक लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे कोई डायग्राम बना लेते हैं, जैसे हमने बना दिया यहाँ पे कि जो इसका लंब है उसकी वैल्यू x और जो करण है उसकी वैल्यू होगी एक, यानी कि करण की बता दी लंब की बता दी, तो आधार की हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर और उसका रूट, तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी आधार की वो वैल्यू हो जाएगी हमारे ही करण का स्क्वायर यानी एक का स्क्वायर एक माइनस लंब का स्क्वायर और उसका रूट, ये हो गई। अब हमारे को थीटा बराबर तो साइन इनवर्स एक्स आ गया,
अब हमारे कुछ निपुण लिया भाई आप कोस थीटा बताओ, कोस थीटा क्या होगा? तो कोस थीटा के अंदर क्या होता है? कोस थीटा के अंदर होता है आधार बटा करण। आधार क्या है? आधार है ये और करण है ये, यानी कि हमारा हम सीधा सीधा लिख सकते हैं कि कोस थीटा बराबर हो जाएगा रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। सीधा सीधा लिख सकते हैं कोस थीटा बराबर ये हो जाएगा, और इसको आगे बढ़ाते हैं तो हम लिख सकते हैं कोस इनवर्स क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स ये यहाँ लिखो आप थीटा की वैल्यू, यानी थीटा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। फिर हमारा यहाँ साइन का लिख दिया हमारे, हमने थीटा के अंदर साइन इनवर्स एक्स, कोस का हमने थीटा के अंदर लिख दिया कोस इनवर्स रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आता है हमारे टेन का, टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है लंब बटा आधार। लंब क्या है, लंब है एक्स और ये आधार, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स बटा रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको यदि थीटा के अंदर लिखना हो तो हम लिख सकते हैं टेन इनवर्स एक्स बटा रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, टेन को इस प्रकार से लिख सकते हैं। और आपको बताए वो कोर थीटा है वो टेन का उल्टा ही होता है, तो ये होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, यानी कि जो थीटा होगा वो हो जाएगा कोट इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। इस प्रकार से लिख सकते हैं, कोस को लिख दिया, टेन को लिख दिया और कोट को लिख दिया। अब हमारे बचा सेक थीटा, तो सेक थीटा को हम किस प्रकार से लिखेंगे, सेक थीटा हमारे पता है 1 अपॉन कोस थीटा, यानी कि कोस का उल्टा होता है, कोस का उल्टा क्या हो जाएगा, ये कोस का उल्टा हो जाएगा 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको थीटा के अंदर लिखेंगे तो सेक इनवर्स 1 बटा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और अब आया हमारे कोसेक थीटा, कोसेक थीटा है वो हमारे पता है साइन थीटा उल्टा होता है, वो साइन थीटा है वो बराबर क्या है एक्स, तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स। तो ये थीटा के अंदर हो गया कोसेक इनवर्स एक्स हो गया 1 अपॉन एक्स। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो हमारे को क्या करता था, करना था कि प्रतिलोम वर्तीय फलन है उनके बीच में संबंध क्या है, तो हम सबको एक बराबर के अंदर भी लिख सकते हैं, यानी कि ये पहला वाला है वो आ रहा है साइन इनवर्स एक्स, थीटा की वैल्यू इसके अंदर साइन इनवर्स एक्स, इसके अंदर थीटा की वैल्यू ये, यानी जो थीटा के मान इनको सबको बराबर कर सकते हैं। तो मैंने लिख दिया, तो हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, जैसे कि साइन इनवर्स एक्स है बराबर है कोस इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर टेन इनवर्स एक्स बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर कोट इनवर्स बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, इसके ऊपर रूट है बराबर कोट। अब आ गया सेक इनवर्स, सेक इनवर्स आ गया 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर कोसेक, कोसेक इनवर्स हो गया 1 अपॉन एक्स। इसको हम ये से भी लिख सकते हैं, यानी थीटा थीटा के अंदर प्रतिलोम वर्ती फलन थे उनका संबंध बताया था, उनको हम बराबर भी इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो साथियों आप इसको एक बार नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे और चलते हैं। साथियों अब हम देखते हैं कि हमारे सामने कोई वैल्यू आ जाती है, जैसे कि उसने कह दिया कि भाई साइन 270 की वैल्यू बता, साइन इसकी बता, कोस है जो इसकी वैल्यू बता, तो वो किस प्रकार से हम ज्ञात करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि हमारे कोई भी यदि साइन इतने की वैल्यू, कोस इतने की वैल्यू प्लस में होगा वो माइनस में होगा, तो वो किस प्रकार से होता है वो एक साथ में आप सब पूरा है वो सिस्टम आपको एक साथ बता देता हूँ। जैसे कि ये मैंने बना दिया ग्राफ टाइप बना दिया मैंने यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे वैल्यू यहाँ से लिख रहा हूँ कि यहाँ पर मैंने जीरो लिख दिया, ये 90 का हो जाता है यहाँ पाई बाई टू, ये फिर 90 यहाँ पाई, ये 3 पाई बाई टू, और यहाँ पे आ जाता है फिर 3 पाई बाई टू के बाद में आ जाता है 2 पाई, 360 डिग्री कुछ ऐसी वैल्यू आ जाती है, आती जाती है ऐसे। अब इसके अंदर आपको क्या क्या याद रखना है कि किसके कौन सी रेखा के ऊपर तो चेंज होगा और कौन सी पे नहीं होगा, ये कहाँ पर माइनस आएगा कहाँ पर प्लस आएगा, वो किस प्रकार से आता है वो मैं आपको बताता हूँ, आप आराम से देखना। अब आपको एक चीज में बता रहा हूं, आपको ये याद रखना है एएसटीसी, आप इस पे से भी याद रखते हो एससीटीसी, एएसटीसी आपको चार है जो मैंने दिया, एक नंबर दो नंबर तीन नंबर चार है, उसके अंदर आप एसटीसी के हिसाब से भी याद रख सकते हो, और आपको कोई ट्रिक हो तो उस हिसाब से याद सकते हो। एएसटीसी आपको ये याद रखना है,
ए मतलब यहाँ पे ओल हो जाएगा और ये एस वाला में आएगा वो बताऊंगा, टी वाला क्या होगा और सी वाला क्या होगा ये भी बता दूंगा। यानी कि ओल मतलब यहाँ पे जो इसके अंदर यहाँ पर जो भी मान होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, यानी साइन थीटा होगा, कोस टेन, कोस से, कोस से कुछ भी होगा वो सारे यहाँ पे पॉजिटिव होंगे। अगला आया एस, एस मतलब कि इसके अंदर साइन और साइन का उल्टा क्या होता है कोस से, साइन थीटा और कोस थीटा है ये दो वाले हैं ये तो पॉजिटिव होंगे और जो बाकी अदर है जो बाकी अदर है वो सारे नेगेटिव होंगे। अब आ रहा है टेन वाला, टेन वाले के अंदर क्या हो जाएगा, एक तो टेन वाला और एक कोट वाला ये दोनों तो पॉजिटिव हो जाएंगे और बाकी जो भी अदर है वो सारे नेगेटिव होंगे। अब है ये सी, सी मतलब कोस, याद रख लो इसके अंदर कोस और एक हो गया कोस का उल्टा से, उल्टा वाला रखना है ये तो दोनों पॉजिटिव होंगे और बाकी जो भी अदर जो अदर नाम आएंगे साइन आ गया, टेन आ गया, कोट आ गया, कोशेक आ गया ये सारे हो जाएंगे नेगेटिव। आपको ये याद रखना है कि इसके अंदर सारे पॉजिटिव हो रहे हैं, इसके अंदर केवल साइन कोशेक वाला पॉजिटिव, इसके अंदर टेन कोट वाला, इसके अंदर कोस और शेक वाला, ये कैसे हो रहे हैं, एस मतलब ओल, एस मतलब साइन कोशेक, टी मतलब टेन कोट और सी मतलब कोस थीटा और शेक थीटा वाले ये पॉजिटिव हो रहे हैं। इसके साथ साथ आपको दूसरी चीज एक याद रखनी है कि जो ये लाइन है ये खड़ी वाली लाइन है इसके ऊपर सारे मान है जो साइन है वो कोस के अंदर, टेन है कोट के अंदर, शेक कोस है, ये जो किस प्रकार से ये साइन है वो कोस के अंदर चेंज हो जाता है, कोस है वो साइन के अंदर चेंज हो जाता है, वो किसके ऊपर होते हैं इस रेखा के ऊपर। इस रेखा का मतलब क्या हो गया, यानी कि पाई बाय टू और थ्री पाई बाय टू है, इनमें से यदि हम माइनस करेंगे तो भी साइन है वो कोस के अंदर चेंज हो जाएगा, कोस है वो साइन के अंदर चेंज हो जाएगा, टेन है कोट में, कोट टेन में, इस प्रकार से चेंज हो जाएंगे पाई बाय टू पे और थ्री पाई बाय टू पे। और जो ये हमारी आधी वाली रेखा है पाई और ये जीरो पाई वाला इसके ऊपर चेंज नहीं होता, इस पे बदलता नहीं है ये याद रख लो। और यहां पे क्या होता है, यहां पे बदलता है और यहां पे नहीं बदलता है, हमारे को इस प्रकार से ध्यान रखना है। जैसे कि हमारे को दे दिया, आपको मैं एग्जांपल्स के हिसाब से बता रहा हूं, जैसे हमारे को कुछ भी दे दिया उसने, उसने दे दिया साइन पाई बाय टू प्लस थीटा, ये क्या होगा, उसने कह दिया साइन पाई बाय टू प्लस थीटा ये क्या होगा, तो हम चले पाई बाय टू पर, पाई बाय टू प्लस थीटा यानी कि अगले के अंदर आएंगे, यदि साइन पाई बाय टू माइनस थीटा होता है इसके अंदर आते हैं पाई बाय टू थीटा, यानी कि ये फर्स्ट है, सेकंड के अंदर आ गए, सेकंड के अंदर साइन वाला पॉजिटिव होगा, पहली बात तो हमारे को पता चल गया कि ये पॉजिटिव होना है। दूसरा पाई बाय टू पे बदलता है, यानी साइन किसके अंदर बदलेगा, साइन बदल गया कोस के अंदर और होगा क्या, पॉजिटिव होगा और सीधा हमने लगा दिया थीटा, यानी कि साइन पाई बाय टू प्लस थीटा है ये किसके बराबर होता है, ये होता है कोस थीटा के बराबर। उसी प्रकार से आपको और किसी ने उसने पूछ लिया कि आप बताओ टेन पाई प्लस थीटा, टेन पाई प्लस थीटा क्या होगा, तो हम क्या करेंगे पाई वाले के ऊपर जाएंगे, हम पाई वाले के ऊपर चले गए, पाई वाले के ऊपर बदलता नहीं है, यानी कि जो टेन है वो टेन ही रहेगा, वो कोट के अंदर चेंज नहीं होगा, तो टेन है तो वो तो हमने लिख दिया टेन ही होगा। फिर पाई प्लस थीटा यानी इसके अंदर आ रहा है और इसके अंदर टेन पॉजिटिव हो रहा है, तो हमारे जो टेन थीटा पॉजिटिव के अंदर आ जाएगा। यदि यही आता हमारे साइन पाई प्लस थीटा, यानी कि साइन है वो पाई प्लस थीटा यानी इसके अंदर आ रहा है, इसके अंदर साइन क्या हो रहा है नेगेटिव हो रहा है, बदलेगा नहीं लेकिन माइनस का साइन थीटा होगा। तो आपको इसी प्रकार से ध्यान रखना है कि इसके अंदर सारे बदलते हैं, इसके अंदर एस से साइन कोस एक वाला, इसके अंदर टेन कोट वाला, इसमें कोस और शेक वाला नहीं बदलता है। इस लाइन के ऊपर यानी पाई बाय टू माइनस थीटा कर लो या पाई बाय टू प्लस थीटा कर लो, थ्री पाई बाय टू प्लस थीटा कर लो या थ्री पाई बाय टू माइनस थीटा कर लो, इनके ऊपर बदलेंगे, इनके ऊपर जैसे जैसे रहेंगे बदलेंगे, किसमें किसमें, साइन है वो कोस बदलेगा, कोस है वो साइन बदलेगा, टेन कोट में, कोट टेन में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक के अंदर, वो इस प्रकार से चेंज होते हैं। चिन्ह है वो चिन्ह इनके हिसाब से आ जाएंगे, बदलेंगे किसने इस हिसाब से आ जाएंगे, यदि पाई बाय टू प्लस थीटा सेकंड में आ जाएगा, पाई माइनस थीटा सेकंड में आ जाएगा, पाई प्लस थीटा थर्ड में आ जाएगा, थ्री पाई बाय टू प्लस थीटा चौथे में आ जाएगा और थ्री पाई बाय टू माइनस थीटा पिछले वाले तीस नंबर में आ जाएगा, और ये टू पाई प्लस थीटा आ गया तो इसके अंदर आ जाएगा फर्स्ट के अंदर, और टू पाई
माइनस थीटा आ गया तो ये चौथे वाले के अंदर आ जाएगा, यही हमारे ध्यान रखना है। इस प्रकार से चल रहा है, माइनस है इधर, प्लस है इधर, माइनस है इधर, प्लस है इधर, माइनस है तो इधर और प्लस है तो इधर, माइनस है तो नीचे और प्लस है तो ऊपर। इस प्रकार से ये होते हैं कि किसका मान किस प्रकार से होता है, ये चीज ध्यान रखना है। यहाँ पर बदलता है इसके ऊपर, उनके ऊपर इस रेखा पे बदलता नहीं है। साथ ही आप इसको नोट डाउन कीजिए। इसके बाद में मैं आपको कुछ सूत्र लिखाऊंगा जो हमारे एक्सरसाइज के अंदर काम में आएंगे, वो मैं आपको एक साथ दिखाऊंगा और बता दूंगा कि किस किस प्रकार करते हैं, वो आपको सीधे ही नोट डाउन करना है। आप समझने वाली चीज थी इसलिए मैंने समझा दी, आप इसको एक बार नोट डाउन कीजिए। साथियों ये हमारे सामने आ गए हैं जो भी दो सूत्र काम है हमारे एक्सरसाइज के अंदर आने हैं। एक्सरसाइज है जो 2.1 है, तो आगे विविध कुछ भी है उसके अंदर जो जो हमारे सूत्र काम में आएंगे वो सूत्र मैंने, ये इतने सूत्र है ये आप एक बार याद कीजिए और वो एक दो सूत्र बचा हुआ होगा और सारे लगभग जो जो मेन मेन सूत्र है वो आ चुके हैं। तो आपको ये जो सूत्र है वो याद करने हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ किस प्रकार से याद करने हैं। पहले देखो आ गया साइन इनवर्स एक्स प्लस माइनस साइन इनवर्स वाई बराबर साइन इनवर्स के साइन इनवर्स ले लिया, फिर एक्स एक बार 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस माइनस यानी यहाँ पे प्लस दे दिया साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, तो हमारे को यहाँ पे प्लस का चिन्ह लेना है और यदि साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई दे दिया तो यहाँ पे हमारे को माइनस चिन्ह लेना है। इसी प्रकार से साइन इनवर्स वाला है और इसी प्रकार से हमारे कोस इनवर्स वाला है। इसके अंदर कोस का कोस आ गया, इसके अंदर क्या हो रहा है यदि यहाँ पे प्लस आ रहा है तो आगे क्या आएगा, आगे माइनस आएगा और यदि पहले माइनस आ रहा है तो आगे प्लस आएगा। ये आपको इस प्रकार से सूत्र याद करने, कोस के अंदर दोनों एक साथ आ जाएंगे और एक्स वाई को एक बार ले लेना, इनके अंदर साइन में अलग अलग आ रहे हैं। फिर आ गया 2 साइन इनवर्स एक्स का, सीधा सीधा सूत्र याद करना है। 3 साइन इनवर्स एक्स है इसका भी सीधा सीधा आपको सूत्र याद करना है। इसी प्रकार से 2 कोस इनवर्स एक्स बराबर 2x स्क्वायर माइनस 1, 3 कोस इनवर्स एक्स बराबर कोस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। फिर इसी प्रकार से हमारा आते हैं टेन के सूत्र, टेन इनवर्स एक्स टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर हो जाता है टेन इनवर्स एक्स है तो एक्स प्लस का तीन तो प्लस वाई एक बार माइनस वन माइनस एक्स वाई। फिर आ जाता है माइनस वाला आ गया तो ऊपर माइनस आ जाएगा नीचे प्लस आ जाएगा, सेम टू सेम वही रहना है। फिर तीन आ गए टेन इनवर्स एक्स टेन इनवर्स वाई टेन इनवर्स डेड, तो टेन इनवर्स लिख दिया हमने एक बार तो एक्स प्लस वाई प्लस डेड माइनस एक्स वाई डेड और फिर नीचे वन माइनस एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स एक बाई के एक बार माइनस करना है। इसी प्रकार से हमारा कोट वाला आ गया, कोट है वो टेन का उल्टा होता है, इसी हमने कोट इनवर्स लिख दिया, इसके अंदर क्या उल्टा है तो इसके ये भी उल्टे हो रहे हैं, एक्स वाई माइनस वन और नीचे है जो एक्स प्लस वाई लिख दो या वाई प्लस एक्स लिख दो एक ही बात होती है, माइनस वाला होता है तो उसके अंदर थोड़ा सा चेंज हो जाता है। इस प्रकार से ये हमारे सूत्र हो जाते हैं 3, 3, 6 और 3, 9 ये 10 सूत्र। तो यहाँ पे 10 सूत्र आपको ये याद करने, 3 सूत्र ये यानी कि ये तीनों है, तीनों टू टेन टेन इनवर्स एक्स टू टेन इनवर्स एक्स टू टेन इनवर्स एक्स, यानी कि जो तीनों सूत्र है वो टेन इनवर्स एक्स के हैं। इनको आपको याद करना, एक तो टेन की फॉर्म है, एक साइन की फॉर्म है, एक कोस की फॉर्म है, आपको ये तीनों अलग अलग याद करने हैं। इनमें से देखो टेन की फॉर्म है वो होता है 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर, साइन की फॉर्म में वो होता है 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, साइन वो पॉजिटिव वाला आ रहा है टेन में नेगेटिव वाला आ रहा है। उसके बाद में आता है 2 tan इनवर्स x cos की फॉर्म में, तो cos इनवर्स x के अंदर बताया है उसको बताया 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। इन तीनों को आप एक ट्रिक से भी याद कर सकते हो, टाइगर शेर से होशियार चीता, यानी कि टाइगर शेर से होशियार चीता। जो टाइगर वाला है पहले आ रहा है टाइगर 10 वाला आ गया उसके अंदर 2x अपॉन 1 प्लस माइनस x स्क्वायर याद कर लिया, फिर आ रहा है शेर वाला यानी साइन वाला शेर से साइन, इसके अंदर आ जाता है शेर है वो प्लस आ गया पॉजिटिव, हमेशा शेर पॉजिटिव होता है तो याद कर लेंगे। फिर टाइगर शेर से होशियार चीता यानी कि दोनों से होशियार है टाइगर और शेर से, यानी कि इसका जो पहले वाला टाइगर वाला था उसका ले लिया 1 माइनस x स्क्वायर और शेयर वाला ले लिया 1 प्लस x स्क्वायर, तो दोनों हमने बट्टा के अंदर लिख लिया। तो हमारी ये ट्रिक हो जाती है और तीन सूत्र आसानी से याद हो जाते हैं कि टाइगर शेयर से होशियार थीटा, टाइगर उसके अंदर माइनस, शेयर हमेशा पॉजिटिव वाला होगा और शेयर होशियार थीटा यानी वो थीटा है दोनों से होशियार है, दोनों का 1 माइनस x स्क्वायर इसका और 1 प्लस x स्क्वायर इसका, वो दोनों हमने लिख लिए। इस प्रकार से ये हमारे कुछ 10 और 3, 13 लगभग 15 के आसपास हमारे सूत्र है, कोई एक दो सूत्र और बाकी होगा तो अगली क्लास के अंदर लेंगे। इसी क्लास में आज के लिए इतना ही और धन्यवाद। साथ ही यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल स्टडी विद बाबल सर को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो साथियों सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को अवश्य दबाएं ताकि आपको जैसे ही हम वीडियो यहां से अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके और आप हमारे साथ बने रहो और वीडियो हमारे साथ साथ देखते रहो। इसी के साथ धन्यवाद।